देखिए फोर्स नहीं किया, पहली बात है मैं डांस जानता नहीं हूँ, कभी निजी तौर पे भी डांस नहीं करता हूँ, ना डिस्को में, ना पार्टी में, ना शादी में, किसी के भी। और डिम्पी हमेशा डांस चाहती है करना और मैं नहीं करता हूँ। मौका मिलता है तो नाचने लग जाती हूँ मैं, चाहे आए नहीं आए। तो मैंने सोचा जैसे शादी दुनिया के सामने की है, वैसे अगर डांस डिम्पी के लिए करना है वो भी दुनिया के सामने किया जाए, भले आए ना आए अलग बात है, मत हिम्मत तो करे, नाच के तो देखे, और अगर आप इंजॉय करो दुनिया भी आपके साथ इंजॉय करेगी। राहुल, ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री तो आपकी बहुत रही, लेकिन आज डांसिंग केमिस्ट्री की बात आई है, डांस में तो क्या केमिस्ट्री खास लेके आए आप? ये तो केमिस्ट्री आप देख रहे थे, आपने बताना चाहिए, बिकॉज मैं तो डांस कर रहा था, इंजॉय कर रहा था, मैं देख नहीं रहा था कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। एक कलाकार जब मंच पर आता है तो उसके लिए मेरे ख्याल से सिर्फ अपना पार्टनर और ही पार्टनर होता है, और म्यूजिक होता है, डांस करते हैं, और खुद को एंजॉय, मतलब परफॉर्म करते वक्त खुद जितना एंजॉय हम करते हैं वही हमारे लिए महत्व रखता है। डांसिंग जोड़ी और ऑडियंस को कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी ज्यादा अपील करेगी? आई थिंक द फैक्ट दैट राहुल कान डांस, आई थिंक दैट्स वेरी अपीलिंग। जजेस की बात की जाए तो तीन जजेस हैं, साजिद, शिल्पा और टेरी, तो किस में ज्यादा डर लगता है, कौन सबसे ज्यादा मार्क्स काटेगा? जजेस एक डरने की बात नहीं, जजेस हमारे मार्गदर्शक है, हमारे गाइड है, वो हमें बताएंगे कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। मार्क्स जरूर है मगर ये कोई परीक्षा नहीं है मेरे ख्याल से, ये सब हमारा काम है, लोगों को मनोरंजन देना, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना। वो जब ये प्रोग्राम जैसे खाना खा रहे होंगे तो उनको अपने खाने के बाद मीठा पदार्थ खाने की ज़रूरत न पड़े, उनके मुंह में इतनी खुशियाँ हो, चेहरे पे इतनी खुशियाँ हो कि वो खुशी खुशी अपना खाना पचा ले। तो ये पर्पज़ है कि लोग मज़ा करें, इन्जॉय करें, मस्त रहे, और जो लोग नाचते नहीं मेरे जैसा वो भी डांस करना शुरू करें।